नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निकलस्ट में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, सेना कमांडरों का सम्मेलन जिसे कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, 18 से 22 अप्रैल तक सैन्य कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो हर साल अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। और आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना के लिए जरूरी नीतिगत फैसले लेने के लिए बातचीत की जाती है। इस सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी एक्टिव बॉर्डर्स के साथ ऑपरेशन की स्थितियों की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा संघर्ष के पूरे स्पेक्ट्रम में खतरों का आकलन किया जाएगा और कैपेसिटी डेवलपमेंट और ऑपरेशनल तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमताओं की जो कमी है उसका भी विश्लेषण किया जाएगा। इसमें बॉर्डर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वदेशीकरण के जरिए आधुनिकरण और नई तकनीक को शामिल करने और इसके अलावा यूक्रेन रूस युद्ध का जो प्रभाव है उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जानी है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 अप्रैल को वरिष्ठ कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे और सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अगली खबर CDS की नियुक्ति को लेकर आ रही है। अब कई तरीके के विचार मंथन किए जा रहे हैं और कई तरीके की बातें सामने आ रही है नए CDS को लेकर। दरअसल नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति को लेकर भारत सरकार सेवारत और सेवानिवृत्त यानी कि जो सर्विस में भी है और जो रिटायर्ड अधिकारी है दोनों तरीके के अधिकारियों के नाम पर विचार कर सकती है। और भारत सरकार नए सेना प्रमुख की नियुक्ति का ऐलान अगले हफ्ते कर सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस पद के लिए नाम का फैसला ले लिया गया है। इस पैनल में 3-स्टार और 4-स्टार रैंक के अधिकारियों को शामिल किए जाने की उम्मीद कही जा रही है। BSF में इस साल के शुरुआती 3 महीनों में करीबन 9,500 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती की गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ देश की सीमा पर BSF अग्रिम मोर्चे का नेतृत्व करती है और अब वो अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रही है। नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों में अधिकतर कांस्टेबल रैंक के हैं और इन्हें धीरे धीरे पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा पर स्थित चौकियों और आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों के लिए तैनात किया जा रहा है जिसमें वामपंथ चरमपंथियों के खिलाफ भी सशस्त्र लड़ाई शामिल है, यानी कि BSF अपना कॉम्बैट रोल भी निभाएगी। आंकड़ों पर गौर करें तो 13 अप्रैल तक BSF में 9,550 नए कर्मचारी तैनात किए गए हैं और इनमें लगभग 1700 कर्मचारी महिलाएं भी हैं। BSF के अधिकारी ने कहा कि अधिकांश नए कर्मचारियों की भर्ती जनरल सिक्योरिटी ड्यूटी कैडर में की गई है, लेकिन कुछ कर्मचारियों को रेडियो ऑपरेटर्स और अन्य विशेष शाखाओं के लिए भर्ती किया गया। आने वाले दिनों में और भर्तियां की जाएंगी। अगली खबर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। कानपुर रोड के करीब 4 महीने पहले रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री के यूनिट का शिलान्यास किया था। 4 महीनों में अब इस फैक्ट्री के निर्माण ने तेजी पकड़ ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर ये काम तेजी से किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ब्रह्मोस की यूनिट जब लखनऊ में शुरू हो जाएगी तो लखनऊ का नाम विश्व में भी एक अलग पहचान बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के OSD KP सिंह जी ने लखनऊ में DRDO लैब, ब्रह्मोस मिसाइल टेस्टिंग सेंटर और ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण यूनिट स्थलों का दौरा किया और वहां पर तेज गति से चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी दी। बता दें कि लखनऊ में ब्रह्मोस प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश किया जाएगा। इन सेंटरों में रिसर्च और डेवलपमेंट का काम भी होगा। 100 से अधिक ब्रह्मोस मिसाइलें अगले 3 सालों में बनाई जाने की योजना है। ब्रह्मोस प्रोडक्शन सेंटर में करीबन 500 इंजीनियर्स और टेक्निकल लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। इसके अलावा करीबन 5,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा और 10,000 लोगों को इस प्रोडक्शन सेंटर में काम मिलेगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस प्रोडक्शन सेंटर के चलते अब UP डिफेंस कॉरिडोर में डिफेंस सेक्टर में कार्य करने वाली कई अन्य नामी कंपनियां भी इस राज्य में आएंगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको हमेशा से डिफेंस अपडेट में जानकारी दी है कि दरअसल अमेरिका ने जो अपने हथियार और इसके अलावा जो उपकरण छोड़े उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा सकता है, लेकिन अब ये सब शुरू हो चुका है। दरअसल एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें पता चला है कि दरअसल कश्मीर में आतंकियों के पास से सैटेलाइट फोन और थर्मल इमेजिंग उपकरण के सिग्नल पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि इरिडियम सैटेलाइट फोन और खासकर रात में सुरक्षा बलों की घेराबंदी से आतंकवादियों को बचाने में मदद करने वाले वाईफाई सक्षम थर्मल इमेजरी उपकरणों के इस्तेमाल के करीबन 15 संकेत यानी कि 15 सिग्नल्स कश्मीर घाटी में पाए गए हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि फरवरी के महीने में साइबर क्षेत्र में इरिडियम सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल की कई जानकारी सामने आई है और शुरुआत में ये उत्तरी कश्मीर में पाए गए थे, लेकिन अब दक्षिण कश्मीर के हिस्से में भी ये सिग्नल एक्टिव मिले हैं। इसके अलावा अधिकारियों ने कहा कि ये सैटेलाइट फोन अफगानिस्तान से जाते समय अमेरिका के द्वारा छोड़ी गई खेप का हिस्सा हो सकते हैं या फिर इन्हें तालिबान ने वहां लड़ रहे सैनिकों से छीना हो सकता है। हालांकि सेना ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन फोन की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है और इनका इस्तेमाल कर रहे लोग जल्द ही हमारे जद में आएंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन और रक्षा खुफिया एजेंसियां जैसे निकाय कश्मीर घाटी में इन सैटेलाइट फोन को खोजने और उनकी मौजूदगी की ताजा जानकारी मुहैया कराने का काम कर रही है। हालांकि ये उपकरण पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन ये अफगानिस्तान से कश्मीर लाए गए हैं। इनका इस्तेमाल आतंकवादी
खासकर रात में तलाशी अभियान और घेराबंदी से बचने के लिए कर रहे हैं। दरअसल ये जो उपकरण होते हैं वो सुरक्षा बलों के शरीर से जो उत्पन्न ऊष्मा होती है, जो हीट होती है, हीट सिग्नल्स जो होते हैं उनकी जानकारी इनको पहुंचा देती है और ठिकाने के बाहर के इलाकों की सामान्य जानकारी भी इन्हें ये उपकरण मुहैया कराता है और इसीलिए हाई अलर्ट पर है भारतीय सेना और इसके अलावा जो सुरक्षा एजेंसी है वो भी। रशिया की तरफ से जानकारी दी जा रही है कि भारत को जल्द ही 2 एडवांस तलवार क्लास के स्टेल्थ फ्रिगेट की डिलीवरी समय पर पूरी हो जाएगी और कहा जा रहा है कि पहला स्टेल्थ फ्रिगेट भारत को 2023 में मिल जाएगा। बता दें कि यूक्रेन की कंपनी पहले ही इन फ्रिगेट्स के इंजन की डिलीवरी कर चुकी है जिन्हें इंस्टॉल भी किया जा चुका है इन फ्रिगेट्स पर। इसके अलावा 2 फ्रिगेट्स भारत में बनेंगे जिन्हें की गोवा शिपयार्ड के द्वारा बनाया जाएगा और ये भी तैयार हो रही है। कहा यह जा रहा है कि इन्हें भी सही समय पर डिलीवर कर दिया जाएगा। बता दें कि गोवा शिपयार्ड अपना पहला फ्रिगेट 2027 में सौंपेगी और दूसरा उसके 6 महीनों के बाद। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और इंटीग्रेटेड सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम को बनाने के लिए भारतीय प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के साथ काम कर रही है। बता दें कि इस सिस्टम में रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, लेजर वार्निंग रिसीवर और काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम भी होगा जो कि लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट का एक मौका भी मिलेगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की विंग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है डॉर्नियर 228 विमान के ऑटो पायलट सिस्टम के डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए। बता दें कि ये जो स्वदेशी ऑटो पायलट सिस्टम होगा उसे अमेरिकी फर्म हनीवेल के ऑटो पायलट सिस्टम से बदला जाएगा और शुरुआत में 18 ऑटो पायलट सिस्टम डिलीवर किए जाएंगे और बाद में 100 और यूनिटों का ऑर्डर दिया जाएगा। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स ने 250 किलोमीटर रेंज वाली रुद्रम 1 मिसाइल का यूजर ट्रायल पूरा कर लिया है और अब इसका बड़े स्तर पर प्रोडक्शन किया जा रहा है। बता दें कि ये मिसाइल दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन एसेट्स को और साथ ही दूसरी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो सोर्सेस होते हैं उन्हें ट्रैक और डिटेक्ट करके खत्म कर सकती है जो कि दुश्मन के एयर डिफेंस का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। बता दें कि DRDO अब रुद्रम 1 नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल की तकनीक भारत की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को ट्रांसफर करेगा और ये तकनीक चुने जाने वाली कंपनी को दी जाएगी। बता दें कि इस वक्त 6 भारतीय कंपनियां इस बिडिंग प्रोसेस में लगी हुई हैं जिसमें कि भारत डायनेमिक्स, लार्सन एंड टुब्रो, भारत फोर्स डिफेंस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनकॉमटेल लिमिटेड। इससे पहले भी टेंडर जारी किया गया था जो कि L&T ने जीता था लेकिन DRDO ने इस टेंडर को इसीलिए कैंसिल कर दिया था क्योंकि ये एक सिंगल वेंडर सिचुएशन बन गई थी लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होने वाला इसीलिए रीटेंडर जारी किया गया है। दोस्तों नाइजीरिया के बाद अब साउथ अफ्रीका का एक और देश भारत से मिलिट्री हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है और ये देश है साउथ अफ्रीका का बोट्सवाना। और अब साउथ अफ्रीका का ये देश भारत की HAL के साथ उनके द्वारा बनाए गए LCH और LUH के संबंध में बातचीत कर रहा है। दरअसल बोट्सवाना की आर्मी 2 अलग अलग तरीके के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करती है जिसमें कि बेल 412 हेलीकॉप्टर है, इसके अलावा यूरोकॉप्टर 350 का वो इस्तेमाल करती है लेकिन अब वो HAL के LUH और LCH के संबंध में बातचीत कर रही है। अशांत पाकिस्तान कुछ भी कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर चल क्या रहा है और अपनी मट्टी पलीत ये कर रहा है। अफगानिस्तान की जमीन के इतिहास में पहली बार हवाई हमला करके अपने आप को चौड़ा दिखाने वाला पाकिस्तान की किरकिरी होना शुरू हो गई है। दरअसल पाकिस्तान ने ये जो एयर स्ट्राइक की उसमें 41 लोगों की जान चली गई और इसके बाद अब तालिबान ने धमकी देकर करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को। वहीं पाकिस्तान ने तालिबान की सरकार से कहा है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा को सुरक्षित बनाए, साथ ही आतंकी गतिविधियों में शामिल तत्वों के खिलाफ तालिबानी सरकार कार्रवाई करे। लेकिन इससे पहले तालिबान ने ही पाकिस्तान को चेतावनी दे दी थी कि वो उनके सब्र का इम्तहान ना ले। तालिबान ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि गलती से दोबारा इस तरीके की गलती ना दोहराए नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे जो कि पाकिस्तान को भुगतने पड़ेंगे। हालांकि दोस्तों पाकिस्तान के बारे में ज्यादा बातचीत करना ठीक भी नहीं है, गृह युद्ध की सिचुएशन में तो वो खुद ही फंस चुका है और आने वाले समय में आप देखना स्थिति पाकिस्तान की बस से बदतर होती जाएगी। तो दोस्तों ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।